हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं तेज पत्ते के पानी को पीने से आपको क्या फायदा होता है। तेज पत्ता जो आपके घर में किचन में अवेलेबल है, जिसको हम सब्जियों में डाल के बनाते हैं, मसाले के फॉर्म में खाते हैं, उसका अगर आप बॉइल्ड वाटर पीते हैं, उसको उबाल के अगर आप पीते हैं, तो आपके शरीर में ढेरों फायदे पहुंचाता है तेज पत्ता, जो कि आपको खाली पेट पीना है। तेज पत्ता आपके घर में अवेलेबल हो जाता है, इजिली आपके किचन में प्रेजेंट रहता है, आप उसको मसाले के फॉर्म में भी खाते हैं, आप उसको वैरायटीज तरीके से यूज करके खाते हैं, सब्जियों में डाल के खाते हैं, उसका पेस्ट बना के, उसका पाउडर बना के, बहुत सारा फॉर्म में आप उसको खाते हैं। तो आज हम उसको पीने के फायदे के बारे में बात करेंगे, कितने आपके शरीर में बेनिफिट पहुंचाता है। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। तेज पत्ता अगर आप खाली पेट एम्प्टी स्टमक पीते हैं तो आपको क्या क्या फायदा होगा, जिसमें सबसे पहला फायदा है जो डायबिटिक मेलाइटिस के पेशेंट है, जो शुगर के पेशेंट है, वो भी टाइप 2 डायबिटीज वाले पेशेंट है, तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। क्योंकि तेज पत्ते के पानी को अगर टाइप 2 डायबिटीज वाले पेशेंट पीते हैं सुबह सुबह खाली पेट, तो उनका जो पैनक्रिया होता है, जहां से इंसुलिन निकलता है, वो इंसुलिन निकालने में हेल्प करता है। क्योंकि डायबिटीज क्यों होता है, जब हमारे शरीर में प्रॉपर तरीके से इंसुलिन नहीं पहुंच पाता है, जो हमारे खाना को पचाने के लिए और अदर एक्टिविटीज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाता है और प्रॉपर तरीके से इंसुलिन रेगुलेट कराता है तेज पत्ता। अगर इसके सेवन करेंगे तो सही मात्रा में इंसुलिन निकलेगा आपके पैनक्रियास से। दूसरा है, आपके खाने की डाइजेशन कराता है, आप जो भी खाना खाते हो उसको पाचन कराने में हेल्प करता है, क्योंकि ये हमारे आंतों में जा करके उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है और सही तरीके से हमारे खाना को तोड़ने में, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है, अच्छे तरीके से यूरिनेशन कराना, मतलब जिन लोगों को यूरिन का प्रॉब्लम है, यूरिन पास आउट नहीं कर पा रहे हैं, या तो अदर कोई समस्या है यूरिन से रिलेटेड, तो पेशाब कराने में हेल्प करता है, पेशाब की मात्रा को बढ़ाता है और यूरिन कराने में हेल्प करता है तेज पत्ता का पानी। उसके बाद है, अगर आप कॉन्स्टिपेशन से, कब्ज से गुजर रहे हैं, कब्ज की समस्या है, तो भी इसके लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसके जो गुणकारी और लाभकारी फायदे हैं, वो आपके कब्ज जैसे समस्या को भी दूर करते हैं, हमारे आंतों में जमे जो कब्ज मल जो होता है उसको इजिली बाहर निकालने में हेल्प करता है, तो कब्ज को भी दूर करता है तेज पत्ता का पानी, वो भी खाली पेट सेवन करने से। उसके बाद आपके कार्डियक रिदम को भी इंप्रूव करता है। कार्डियक रिदम मतलब हमारी हार्ट की जो एक्टिविटी होती है, उस रिदम के साइकिल को मेंटेन करने में हेल्प करता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये शुगर को डिक्रीज करेगा, साथ साथ हमारे हाइपरटेंशन जैसे समस्या को भी दूर करेगा और साथ में हमारे ब्लड के फ्लो को सही रेगुलेट कराने में हेल्प करता है, कार्डियक रिदम को मेंटेन करने में हेल्प करता है तेज पत्ता का पानी। बीपी को रिड्यूस कराने में हेल्प करता है, जो हमारा सिस्टोलिक बीपी होता है और जो हमारा डायस्टोलिक बीपी होता है। सिस्टोलिक का मतलब ऊपर वाला वैल्यू, नीचे वाला वैल्यू को डायस्टोलिक बीपी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। नॉर्मली ऊपर वाला वैल्यू 120 होना चाहिए, नीचे वाला वैल्यू 80 होता है, तो इस तरीके से ये जो नॉर्मल वैल्यू है ये मेंटेन रहना चाहिए, अगर इससे ज्यादा बढ़ गया तो आप हाई बीपी में आते हैं। तो जो तेज पत्ता का जो पानी है वो आपके बीपी को भी रिड्यूस करता है और नॉर्मल रखता है बीपी। नेक्स्ट है आपका, तेज पत्ते के पानी में सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन सी भरपूर मात्रा में प्रेजेंट होता है, क्योंकि विटामिन सी का अगर हम सेवन करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो विटामिन सी हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, मतलब बाहर से अगर कोई इन्फेक्शन आ गई या फिर कोई बीमारी आ गई, उसे लड़ने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है विटामिन सी। तो तेज पत्ता में और तेज पत्ते के पानी में भरपूर मात्रा में विटामिन सी प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे बाहर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है या इन्फेक्शन है उसको दूर करने में हेल्प करता है। उसके बाद है, इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज मतलब बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने की क्षमता। अगर हमारे शरीर में कहीं बैक्टीरियल, फंगल या माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो गया, तो इन सब चीजों को दूर करने में तेज पत्ता का सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो तेज पत्ते के पानी को इस तरीके से पीने से हमारे शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी दूर हो जाता है, चाहे हमारे शरीर में किसी भी पार्ट में हो। उसके बाद है, ये आपके खाना को पचाने में हेल्प करता है और मेटाबॉलिज्म कराने में हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म मतलब खाना खाने के बाद जो हमारा कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म होता है, इन दोनों को मिला के मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। खाना को कई भागों में तोड़ना, तोड़ने के साथ में उसको सही तरीके से पाचन कराना और जल्दी पाचन कराने का काम होता है तेज पत्ते का। तो तेज पत्ते का पानी का सेवन करना चाहिए, जिससे आपके खाने में पाचन की जो समस्या होती है वो सब दूर हो जाएगी। उसके बाद है, जिनको वेट लॉस करना है, जो ओवरवेट या ओबेस है, जो 80 किलो 90 किलो के, जो इजिली वेट लॉस करना चाहते हैं, अपने आप को पतला करना चाहते हैं, उसके लिए भी तेज पत्ता का पानी बहुत ही हेल्पफुल है। क्योंकि तेज पत्ता पानी में जो फैट कटर प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे शरीर
शरीर में अधिक मात्रा में वसा प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम मोटे और ओबेस हो जाते हैं, ऐसी फैट एरिया को वो कट करके नॉर्मल स्लिम एंड ट्रिम कराने में हेल्प करता है। स्पेशली वेट लॉस करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। उनको सुबह सुबह खाली पेट उठ करके तेज पत्ते का पानी पीना चाहिए, या तो तेज पत्ते का चाय पी सकते हो बॉइल्ड वाटर का। उसके बाद है आपकी स्ट्रेस को दूर करने में भी हेल्प करता है। स्ट्रेस जो हम बहुत ज्यादा अधिक तनाव में रहते हैं उसको भी रिड्यूस करता है तेज पत्ते का पानी। तेज पत्ते का पानी से स्ट्रेस जल्दी रिड्यूस हो जाएगा और आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। उसके बाद है एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज। अगर किसी कारणवश आपके शरीर में कहीं पर सूजन है, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, जैसे कि आपके मांसपेशियों में, आपकी हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो इन दर्द को दूर कराने में तेज पत्ते का पानी हेल्प करता है। आपको खाली पेट सुबह सुबह तेज पत्ते का पानी पीना चाहिए। उसके बाद है कैंसर को ट्रीट कराने में हेल्प करता है, कैंसर जैसे समस्या को भी दूर करता है, क्योंकि जो इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा प्रेजेंट होती है, एंटीऑक्सीडेंट मतलब हमारे शरीर में जो ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव होता है, जिसकी वजह से हमारे जो नॉर्मल सेल होते हैं, टिश्यू होते हैं, वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इस चीज को रोकने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल करता है तेज पत्ते का पानी। उसके बाद है कामिंग इफेक्ट, मतलब हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे दिमाग को शांत रखने में भी हेल्प करता है। काम मतलब हम अच्छे से महसूस कर सके, शांतिपूर्वक रह सके, तो ऐसे इफेक्ट प्रोड्यूस करता है तेज पत्ते का पानी। जिस तरीके से हमारे शरीर में पूरी तरीके से स्ट्रेस रिड्यूस कर देगा और हमको काम सूथ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा, तो तेज पत्ते के पानी को इस तरीके से सेवन करना चाहिए। सुबह सुबह उठने के बाद में आप दो तेज पत्ते बड़े एक गिलास पानी में उबाल करके, उसको 5 मिनट उबालने के बाद में उसको ठंडा करके, कूल करके, छान के पी सकते हैं, जिससे आपके इतने सारे इफेक्ट आपको दिखेंगे और हेल्प होगा आपके शरीर को मेंटेन करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।